हेलो फ्रेंड्स, यह मारवाड़ के इतिहास का आखिरी भाग है। दोस्तों, इसमें हम महाराजा अभय सिंह से लेकर महाराजा हनुमंत सिंह तक, जो आखिरी शासक थे, वहाँ तक के सारे शासकों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों, इन शासकों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं है, इसलिए बहुत सारे शासक हम एक ही वीडियो में देख लेंगे और इसके बाद मैं इसकी प्रश्नोत्तरी भी लेके आऊँगा मारवाड़ के इतिहास की। दोस्तों, जैसा कि हमने आखिरी वीडियो में पढ़ा अजीत सिंह के बारे में, तो अजीत सिंह के इतिहास में दो पुत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। एक था दोस्तों अभय सिंह और दूसरा था बख्त सिंह। आपने देखा था आखिरी वीडियो में कि इस बख्त सिंह के कहने पर ज्येष्ठ पुत्र अभय सिंह अजीत सिंह की क्या कर देगा दोस्तों, हत्या कर देगा। क्या कर देगा? अजीत सिंह की हत्या कर देगा। तो दोस्तों, अगला शासक कौन बनेगा यहाँ पर? अभय सिंह। इसके बाद अभय सिंह और बख्त सिंह, इन दोनों के पुत्र के बारे में भी हम एक बार यही देख लेते हैं। अभय सिंह का पुत्र था दोस्तों, इतिहास में नाम मिलता है राम सिंह, और बख्त सिंह के पुत्र का नाम मिलता है दोस्तों विजय सिंह। क्योंकि दोस्तों आगे चलकर कंफ्यूजन ना हो, हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ वंशावली क्लियर कर दी है। अजीत सिंह के दो पुत्र अभय सिंह और बख्त सिंह, अभय सिंह का पुत्र राम सिंह और बख्त सिंह का पुत्र विजय सिंह। ठीक है दोस्तों, अब शासक बना है अजीत सिंह के बाद अभय सिंह। अब हम आगे अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अभय सिंह के शासनकाल में गंगवान का युद्ध होता है। कब? 1741 में। दोस्तों, अभय सिंह राठौड़ ने इस युद्ध में सवाई जय सिंह, जो कि कहाँ का राजा था? जयपुर का, इसको परास्त किया था। अभय सिंह ने सवाई जय सिंह को 1741 में गंगवान के युद्ध में परास्त किया था। अभय सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है खेजड़ली आंदोलन। दोस्तों, इसको चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस आंदोलन के होने का कारण क्या था? मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण किसने कराया था? राव जोधा ने। दोस्तों, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण हेतु अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधर दास के नेतृत्व में खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए कुछ लोगों को कहां भेजा था? खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव क्यों नाम है? इसमें बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष थे, इसलिए इस गांव का नाम भी क्या हो गया दोस्तों? खेजड़ली। तो इस खेजड़ली गांव में गिरधर दास को भेजा गया था कुछ लोगों के साथ, किस लिए? खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए। और कारण क्या था? मेहरानगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाने के लिए या जीर्णोद्धार करवाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों ने, जिनमें हमें उल्लेख मिलता है 363 लोगों का, जिसमें से 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। इन लोगों ने यहाँ पर इन वृक्षों को नहीं काटने दिया और ये इन खेजड़ी के वृक्ष को चिपक गए और इनको इन वृक्षों के साथ ही काट दिया गया। तो दोस्तों, 28 अगस्त 1730 वो तारीख थी जिस दिन चिपको आंदोलन या खेजड़ली आंदोलन हुआ था अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, और दोस्तों 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों से चिपक कर अपना बलिदान दिया था, और ये घटना है खेजड़ली गांव की। दोस्तों, इसी दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी थी और हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन वृक्ष मेला आयोजित होता है। कहाँ पर? खेजड़ली गांव में। दोस्तों, ये आपको फैक्ट ऐसा का ऐसा ही याद रखना है, एक एक चीज, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो इनके दरबारी विद्वान देखते हैं, कर्णीदान। इनका दरबारी विद्वान था दोस्तों कर्णीदान, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सूरज प्रकाश। अगला इनका दरबारी विद्वान था वीरभाण, जिसने लिखा था दोस्तों राजरूपक, और दोस्तों इसी राजरूपक के अंदर राजस्थान शब्द का भी उल्लेख मिलता है। इस राजरूपक ग्रंथ के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद महाराजा बख्त सिंह। अब दोस्तों, आपको पता है बिल्कुल, पहले जो ज्येष्ठ पुत्र था अभय सिंह, उसको राजा बनाया गया। अब जो दूसरा शासक है वो कौन बनेगा? दूसरा भाई महाराजा बख्त सिंह। दोस्तों, ये बनेगा 1749 से लेकर 1752 तक। दोस्तों, इनका शासनकाल बहुत ही कम है। इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया दोस्तों? अभय सिंह के बाद उसका पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठता है और जोधपुर का शासक बनता है। लेकिन दोस्तों, ये क्या करेंगे? बख्त सिंह उसे हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लेंगे। अब जो अभय सिंह का पुत्र है राम सिंह, वो कहाँ चला जाएगा दोस्तों? वो चला जाएगा मराठों के पास। किस लिए? मराठों से मदद मांगने के लिए। क्योंकि मराठों की उस समय जो इमेज बनी हुई थी, वो एक भाड़े के सैनिक के रूप में बनी हुई थी। कोई भी पैसे दे के मराठों को उस समय अपने रक्षा के लिए बुला सकता था। तो दोस्तों, राम सिंह पैसे के बदले में मराठों को आमंत्रित करेगा, किसके लिए? बख्त सिंह पर आक्रमण करने के लिए। तो दोस्तों, बख्त सिंह के काल की बस यही घटना है। इसके बाद अगला शासक बन जाएगा बख्त सिंह का पुत्र कौन? विजय सिंह। और राम सिंह तो कहां जा चुका है? मराठों से मदद मांगने के लिए।
दोस्तों अगला शासक बनेगा महाराजा विजय सिंह, जिनका शासनकाल मिलता है दोस्तों 1752 से लेकर 1793 तक। दोस्तों 1754 में मराठों का जोधपुर पर हमला होगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा भक्त सिंह ने राम सिंह को अपने भतीजे को भगाया था वहां सर हरा कर जोधपुर से, और वो कहाँ चला गया था, मराठों के पास। तो दोस्तों मराठे आएंगे 1754 में, यहाँ पर मराठों का नेतृत्व करेगा दोस्तों जयप्पा सिंधिया, और मेड़ता के समीप विजय सिंह और मराठों के बीच में युद्ध होगा जिसमें विजय सिंह हारा जाएगा। इसके बाद दोस्तों विजय सिंह यहाँ से भगकर नागौर के दुर्ग में शरण लेगा और मराठे वहां पर किले के बाहर अपना डेरा डाल देंगे। विजय सिंह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिक था, वह मराठों से लगातार आखिरी तक संवाद करता रहता है और मौका देखकर क्या करेगा दोस्तों, ये जयप्पा सिंधिया की हत्या कर देगा और जयप्पा सिंधिया की यहाँ पर मौत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जयप्पा सिंधिया की मौत होने के कारण मराठों में बहुत क्रोध होगा और मराठों और इनके बीच में जो संधि होगी उसके तहत क्या होगा दोस्तों, विजय सिंह को मराठों की सभी शर्तें क्या होगी, माननी पड़ेगी। 1756 में जब विजय सिंह और मराठों के बीच में संधि होगी तो विजय सिंह को मराठों की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। और ये शर्तें क्या थी, इसके अंदर पहली शर्त थी कि अजमेर मराठों को देना पड़ेगा और उसके अलावा जालौर सहित आधा मारवाड़ राज्य किसको देना पड़ेगा, राम सिंह को। किसको देना पड़ेगा, राम सिंह को। राम सिंह कौन है, अभय सिंह का लड़का। तो दोस्तों अजमेर मराठों को देना पड़ा और जालौर सहित आधा मारवाड़ राज्य राम सिंह को देना पड़ा। 1772 में दोस्तों क्या हो जाएगी, राम सिंह की मृत्यु हो जाएगी और ये वापस विजय सिंह जो उसको दिया था उस पर वापस अपना कब्जा कर ले। दोस्तों इनके उपनाम मिलते हैं, इनकी एक प्रिय पासवान थी गुलाब राय, इसको मारवाड़ की क्या कहा जाता है, नूरजहां कहा जाता है, और विजय सिंह को मारवाड़ का क्या कहा जाता है, जहांगीर कहा जाता है। दोस्तों ये आप उपको उपनाम ध्यान रखने हैं, गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां और विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है। बाद दोस्तों अगला शासक बनेगा महाराजा मान सिंह, जिसका शासनकाल मिलता है दोस्तों 1803 से लेके 1843 तक। इनका उपनाम सन्यासी राजा है दोस्तों, इनको सन्यासी राजा भी कहा जाता था। के बाद इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना मिलती है दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद। दोस्तों यह तीन राज्यों के मध्य यह विवाद हुआ था, इसमें प्रमुख तीन राज्य मिलते हैं मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर राज्य। दोस्तों मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह, मारवाड़ के महाराणा मान सिंह और जयपुर के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के मध्य मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वाक्य कुछ यूं होता है कि कृष्णा कुमारी जो कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, इसका टीका पहले मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश मारवाड़ के शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ तय कर देते हैं। दोस्तों लेकिन मारवाड़ के शासक अब मानसिंह बन चुके होते हैं, तो उनका यह कहना होता है कि कृष्णा कुमारी का रिश्ता तो मारवाड़ के शासक के साथ तय हुआ था और मारवाड़ का शासक अब मैं मानसिंह हूं, तो मुझसे होनी चाहिए उनकी शादी। तो दोस्तों लेकिन मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह यहाँ पीछे हट जाएंगे और मारवाड़ और जयपुर के दोनों शासक आपस में युद्ध करेंगे, मानसिंह और जगत सिंह द्वितीय। इतिहास में इस युद्ध को गिंगोली का युद्ध कहा गया है, जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय मारवाड़ के शासक मानसिंह को यहाँ पर परास्त करेंगे। दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद का मैंने एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, प्लीज आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों मारवाड़ के शासक और जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के शासक मान सिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को हुआ था, जिसमें मान सिंह राठौड़ पराजित हुए और जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी। अंत में कृष्णा कुमारी को जहर देकर यह विवाद समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों इस विवाद को हम पूर्ण रूप से मेवाड़ के इतिहास में पढ़ते हैं, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण घटना है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसका एक अलग से भी वीडियो बना रखा है। दोस्तों इनके निर्माण कार्य देखते हैं, इनका निर्माण कार्य है महामंदिर, जो कि नाथ संप्रदाय का मंदिर है। ये कहाँ बनवाया था दोस्तों, इन्होंने जोधपुर में। दोस्तों
यह नाथ संप्रदाय से प्रेरित थे, यह नाथ संप्रदाय के भक्त थे और इन्होंने नाथ संप्रदाय को लेकर एक मंदिर बनाया था जोधपुर में, जिसको महामंदिर कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में कराया था जोधपुर में। यह पटवारी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि मान प्रकाश पुस्तकालय किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, यह महाराजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद इनके दरबारी कवि, दोस्तों इनका एक दरबारी कवि था बाकी दास, जिसने लिखी है बाकी दासरी ख्यात, मान जसो भूषण, कुकवि बत्तीसी, दातार बावणी, ये सब बाकी दास के क्या हैं दोस्तों, ग्रंथ हैं, आपको ध्यान रखने हैं एज इट इज। इसके बाद इन्हीं के काल में 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से सहायक संधि हुई थी मारवाड़ राज्य की। तो दोस्तों, मारवाड़ राज्य की सहायक संधि 6 जनवरी 1818 को महाराजा मानसिंह राठौड़ के शासनकाल में ही हुई थी। इसके बाद अगले शासक हैं दोस्तों महाराजा तख्त सिंह। दोस्तों, इनके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, इसलिए इन शासक की यही घटना इंपॉर्टेंट है और यही हमें याद रखनी है। और इनका जो थोड़ा बहुत विवरण मिलता है वो 1857 की क्रांति के समय हम पढ़ते ही हैं, 1857 की क्रांति के समय के घटनाओं में। और यहाँ पर हम सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक महाराजा तख्त सिंह थे। इसके बाद अगला शासक बनेगा दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। दोस्तों, एक जसवंत सिंह तो वो हुए जो अजीत सिंह के पिता थे, और ये दूसरे जसवंत सिंह हैं, इनको महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है इतिहास में। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती इनके ही शासनकाल में जोधपुर आए थे, और दोस्तों इनको स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा पाठ पढ़ाया गया था कि आपको वेश्याओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक इनकी प्रिय वेश्या थी नन्ही जान, और दोस्तों नन्ही जान को ये बात पसंद नहीं आती है, और दोस्तों वह इनको एक रसोइये के द्वारा जहर दिलवा देती है, जिससे स्वामी जी की मृत्यु अजमेर में एक महीने बाद अजमेर में हो जाती है, क्योंकि एक महीने तक इनका इलाज चलता है लेकिन ये ठीक नहीं हो पाते और इनकी मृत्यु अंततः अजमेर में हो जाती है। तो दोस्तों, ये नन्ही जान के द्वारा इनकी मृत्यु का कारण बनी थी, और ये किसकी वेश्या थी, प्रिय वेश्या महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की। इसके बाद अगले शासक बनेंगे दोस्तों महाराजा सरदार सिंह। इनके शासनकाल की एक ही घटना है कि इन्होंने जसवंत सिंह इनके जो पिता थे इनकी याद में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले शासक बनेंगे महाराजा सुमेर सिंह। इनका सिर्फ नाम याद रख लीजिए, इनकी कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं है। इसके बाद अगले शासक बनेंगे महाराजा उमेद सिंह। दोस्तों, ये उमेद पैलेस का निर्माण करवाएंगे जोधपुर में, जिसको छीतर पैलेस भी कहा जाता है, और दोस्तों ये उमेद पैलेस पीले पत्थरों से बना हुआ है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा इन्हें जोधपुर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, और इन्होंने पाली में जवाई बांध का निर्माण कराया था, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो दोस्तों, तीन घटनाएं होगी, उमेद पैलेस का निर्माण, जोधपुर का आधुनिक निर्माता है ये, और तीसरा इन्होंने मारवाड़ में जवाई बांध का निर्माण कराया था, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों महाराजा हनुमंत सिंह शासक बनेंगे, और महाराजा हनुमंत सिंह आज़ादी के समय शासक रहते हैं, और इनकी पत्नी कृष्णा कुमारी है, जिसका अभी कुछ समय पहले ही 2018 में निधन हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपके सामने ये फैक्ट लेकर आया हूँ कि इनकी पत्नी कृष्णा कुमारी की भी 2018 में मृत्यु हुई है, और आज़ादी के समय जो शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर साइन किए थे वह कौन थे, महाराजा हनुमंत सिंह, जिन्होंने मारवाड़ की तरफ से विलय पत्र पर साइन किए थे वो कौन थे, महाराजा हनुमंत सिंह। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका मारवाड़ का इतिहास खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको मेरा बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें चैनल पे वीडियोस के ऊपर, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।